सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वे बहाना खोज ही लेते हैं। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। आज का पंचांग 13 मई 2023 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6:51 तक रहेगी। इसके उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 11:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सद्भीसा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:57 से 10:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:49 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 13 मई 2023 दिन शनिवार, कोई हानि आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। परिवार से किसी भी तरह का कोई रहस्य ना रखें। चिंताओं को शेयर करना आपको शांति प्रदान करेगा। वातावरण बहुत खुशनुमा है। आज आप सही दिशा पा सकते हैं, जिससे आप सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे और इस शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। याद रखें, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव में भी संभव शब्द आता है। खुला हुआ सामान ना खाएं, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। दूसरे आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह देख ले कि आपका काम उसे प्रभावित ना हो, और साथ ही वे आपकी उदारता और हृदयता का गलत फायदा, अच्छे व्यवहार का गलत फायदा ना उठाएं। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती सम्मान बर्बाद हो सकता है, और समय भी। आपको अपने जीवन साथी की ओर से खास तोहफा मिल सकता है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपको अचानक यह लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपकी सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। आप घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी की असमंजस्य की भावना को भी आज दूर कर पाएंगे। आज कोई ऐसा शुभ कार्य हो सकता है जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगा। रूटीन के साथ देश विदेश संबंधित जानकारियों पर भी ध्यान दें। काम से अधिक आरामदायक जीवन शैली को महत्व देने की वजह से आलस बना रहेगा। महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। गलत निर्णय लेने से आप खुद के लिए ही समस्या का कारण बन रहे हैं। काम की जगह चल रहे विवाद की वजह से नुकसान होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन से ज्यादा दूसरी बातों को महत्व देने की वजह से पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। चिंता की वजह से सेहत पर असर हो सकता है, ध्यान रखें। पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से निजात मिल सकती है। समय आपके पक्ष में है, इसका सदुपयोग करें। घर के अन्य सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें। कुछ विरोधी ईर्ष्या के कारण आपके खिलाफ नकारात्मक अफवाह फैला सकते हैं। सावधानियां, किसी भी विवादित जगह पर अपनी उपस्थिति न रखें। जिद्दी स्वभाव पर काबू रखें। फालतू खर्चे कम करें, बजट गड़बड़ा सकता है। किसी भी यात्रा को स्थगित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। लव मेट से सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है। अभी आप जिस रिश्ते में हैं, उसकी मिठास अलग ही है और आप इसके हर एक पल का मजा ले रही हैं। एक दूसरे से कोई भी रहस्य ना रखें, बल्कि शेयर करें। इससे आपका संबंध विकसित होगा। किसी करीबी की बीमारी, चोट या बाधा आपको घबराहट दे सकती है। बड़े कदम उठाएं और मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में अपना ध्यान केंद्रित करें।
यह न केवल आपके कार्यस्थल बल्कि आपकी रोमांटिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी लव लाइफ इससे शांतिपूर्ण और प्रेममय बनेगी। पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन के इन लम्हों का स्वागत करें। स्वच्छ आचार विचार और व्यवहार रूपी स्वच्छ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए हैं, लेकिन इनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में भी बात करनी चाहिए, जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। बात करते हैं करियर की। आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार के धन वृद्धि के लिए शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और जिससे आप अगली बार किसी की सेवा करने पर अधिक कमाने लायक हो जाएंगे। इस तरह से आपके हाथों में वित्तीय सुरक्षा और सफलता के लिए सभी सामग्री रहेगी। आप अपने मनोगत शक्तियों और ऊर्जा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बदनामी या अपमान के डर से सफलता की तरफ बढ़ें। अपने कामों को रुकने न दें। अचानक प्राप्त हुए पैसों का सही उपयोग करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। सफर में हुई गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती है। इस वक्त दुनिया की ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप अभी ऊर्जा से भरपूर हैं, किंतु अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करें। अगर आप विफलता का सामना अच्छे से करते हैं तो यह आपको शिक्षा ही प्रदान करेंगे। आपका शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां आपको तनाव दे सकती है। मुश्किल समय में अनुभवी की सलाह लेना ठीक रहेगा। स्टाफ के साथ संबंध सुधारने के लिए समय अच्छा है। नौकरी में स्थिरता आएगी और अधिकारियों से मदद मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा व्यस्तता और तनाव के कारण कमजोरी और थकान महसूस करेंगे। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। ग्रहों को संकेत है कि आज चिंता का विषय शारीरिक के बजाय मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप कुछ समय से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की मदद लें। अगर आप अब इस पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या गंभीर हो जाएगी। कुछ तनाव की भी भूमिका है जिससे आप असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको विशेषज्ञ की ही मदद लेनी होगी। आज का उपाय। आज आप शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।